दूसरी बड़ी खबर है, सशस्त्र बल के जवान की मौत का ये पूरा मामला है। भदोही से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सशस्त्र बल के जवान की मौत का मामला, 12 घंटे से एम्बुलेंस में रखा जवान का शव, 12 घंटे से अभी तक एम्बुलेंस में ही है जवान का शव। परिवार वालों ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया है, परिजन शव लेने को तैयार नहीं है। मृतक जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग परिजन कर रहे हैं। डीएम एसपी को गांव में बुलाने की मांग वो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में तैनात था जवान, और जिसका शव पिछले 12 घंटों से एम्बुलेंस में ही रखा हुआ है। सड़क किनारे मिला था जवान का शव, जिसके बाद से अब परिजन शहीद का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। गोपीगंज कोतवाली के मदनपुर का ये मामला है। कैदी और लगातार परिजन अपनी बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि जवान को शहीद का दर्जा दिलाया जाए, और इसी को लेकर वो डीएम को बुलाने की मांग कर रहे हैं। सशस्त्र बल के जवान की मौत का एक पूरा मामला, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मौत हुई थी, और उसके बाद अब जब शव उनका पैतृक गांव पहुंचा, तो वहां पर परिजनों ने शव लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उनका कहना है कि शव वो नहीं लेंगे जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, और अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं वो। जिला प्रशासन खाली आश्वासन दे रहे हैं, जो है कुछ लिखित सबूत नहीं मिल रहा है हम लोगों को। जब तक लिखित सबूत नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कुछ करेंगे नहीं। बॉडी लेने से इनकार कर रहे हैं। है कि कम से कम हमारे भाई को शहीद के दर्जे मिलना चाहिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पिछले 12 घंटों से एम्बुलेंस में ही है जवान का शव, और इसी पर और जानकारी के लिए संवाददाता रमेश हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। रमेश, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, क्योंकि लगातार अड़े हुए हैं परिजन। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती, वो शव को नहीं लेंगे। दीपा, आपको बता दें कि पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। यहाँ सारी व्यवस्था की गई है, कई थानों की पुलिस लगाई गई है, पीएसी लगाई गई है, लेकिन अभी तक यहाँ के जिलाधिकारी और एसपी परिजन से मिलने नहीं है। परिजनों का कहना है कि जब तक। अब इसी पर और जानकारी के लिए डीएम राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुद राजेंद्र जी, परिजन कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग को नहीं मान लिया जाता, शव को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता जवान को, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। क्या कुछ आप कर रहे हैं? एक्चुअल में देखिए, ये छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान थे, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है। हम लोग संपर्क में है छत्तीसगढ़ के कमांडेंट से भी, हमारे कप्तान साहब ने भी बात की है। वहाँ जांच कर रहे हैं, जांच के बाद अगर पाया जाता है कि हाँ नक्सली में शहीद हुए हैं, तो वो देंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार का मामला है, तो अभी उनसे बात भी हुई उनके परिजनों से, और हमारे एसडीएम गई हुई है वहाँ मौके पर। वो कह रहे हैं कि डीएम साहब को वहाँ पर बुलाइए, वो सीधे आपसे ही बात करने की बात कह रहे हैं। आप जाएंगे वहाँ पर? आप जाएंगे गाँव में परिजनों से मिलने? राजेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? कोई तकनीकी खामी की वजह से इनसे संपर्क हमारा टूट गया। डीएम थे भदोही के, जो कह रहे थे कि अभी जांच हो रही है, पता लगाया जा रहा है, जैसे ही पता लगेगा वैसे ही आगे हम कुछ कह पाएंगे। हालांकि एसडीएम वो कह रहे हैं कि मौके पर मौजूद हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि जब तक डीएम वहां पर नहीं पहुंच जाते, जब तक उनको लिखित में सब कुछ नहीं मिल जाता, तब तक वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे।